ये तस्वीरें हैं यूरोपीय देश इटली की, जहां राजधानी रोम में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जहां पुलिस पर हमला बोल दिया, वहीं पुलिस ने बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में फायरिंग की। तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जहां पुलिस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती हुई दिख रही है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से रोम में सख्त प्रतिबंध लागू हैं और यहां रेस्टोरेंट और जिम बंद कर दिए गए हैं। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार रेस्टोरेंट और जिम को खोलने की इजाजत दे। इस प्रदर्शन में रेस्टोरेंट और जिम मालिकों के साथ साथ कर्मचारी भी सड़कों पर उतरे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प उस वक्त हुई जब प्रदर्शनकारी संसद का घेराव करने पहुंच गए। पहले तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वापस जाने के लिए कहा, जब नहीं माने तो बल प्रयोग किया। बता दें कि इटली में कोरोना से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। यहां महामारी में अब तक 1,14,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 38 लाख लोग संक्रमित हुए हैं।